कि बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करूँ, एक कपिल शर्मा के लिए एक हिट फिल्म क्या है जो यू नो 200 या 500 करोड़ का बिजनेस करती है, या फिर एक वैसी फिल्म यू नो जो लोगों को छू जाए दिल में? देखिए, जो लोगों को छू जाती है ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा बिजनेस करती है, और ये 100-200 करोड़ वाली लीग में मैं इसलिए नहीं बात करता हूँ क्योंकि अगर आप देखें तो फिल्म कोई भी फ्लॉप या हिट नहीं होती, उसका बजट होता है। अगर आप ये कहें कि एक फिल्म के ऊपर खर्चा 120 करोड़ कर दिया गया है और वो फिल्म 100 करोड़ रुपये कमा गई है, तो 20 करोड़ लॉस में गई ना वो फिल्म। तो बजट होता है जो हुआ, और हम लोगों ने कोशिश की, हालांकि पीरियड फिल्म बनाते समय जो सेट है उसका, जो हमने गांव बनाया पूरा, फिर राजस्थान में गए रियल लोकेशंस पे, हम लोगों ने जो विंटेज गाड़ियां बनवाई इसके लिए, बहुत सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी हमने कोशिश की है कि हाँ फिल्म के ऊपर ज़्यादा खर्चा किया जाए, ना कि मैंने तो फीस अपनी ली नहीं कोई क्योंकि अपनी फिल्म है। सो अगर कोई फिल्म अच्छे बजट में बनती है और उससे जितने बजट में बनी है उससे डबल में अगर वो बिजनेस करती है, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ उससे सब सेफ रहते हैं, प्रोड्यूसर भी सेफ है और जितने भी लोग उस फिल्म के साथ जुड़े हुए हैं। सो वो क्लब व्लब की बात में मैं ठीक है, वो डिपेंड करता है। अगर आपने 500 करोड़ जैसे बाहुबली की आप देखो, उस फिल्म ने बहुत पैसा कमाया, कि 600-700 करोड़ शायद, पर उसके अगर आप खर्चा देखें तो खर्चा भी उन्होंने दबा के किया है, तो 250 करोड़ मेरे ख्याल से उसकी मेकिंग पे लगा होगा। तो अगर बाहुबली 100 करोड़ कमाती तो वो फिल्म फिर हिट नहीं मानी जाती ऑब्वियसली, पर हाँ उन्होंने दिल से बनाई थी और दिल खोल के खर्चा किया और लोगों ने पसंद भी की। तो कपिल, अगर मैं आपके रोल की बात करूँ, आई मीन यू नो इन द फिल्म वी कैन सी कि बहुत आपका बहुत पतला लीन लुक है, तो उसके लिए क्या कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करना पड़ा? बहुत प्रिपरेशन की मैंने लाइफ में, इतना वर्कआउट नहीं किया था, मैंने स्विमिंग की सर्दियों में जाके, मैंने स्विमिंग की, फिर मैंने जिम जाता था, फिर मेरा खाना पीना कम कर दिया था, और मतलब सब हेल्दी डाइट खानी शुरू कर दी थी, पर जैसे ही पैकअप हुआ मैंने वापस रगड़ा दे के आया मैं अच्छी तरह से, पराठे वराठे अभी भी ब्रेक में मैं खा रहा था। कपिल, अगर मैं आपकी बात करूँ यू नो कॉमेडी शो की, तो योर फैंस आर क्यूरियस टू नो कि आप कब वापस आओगे छोटे पर्दे पे, तो कुछ उसके बारे में? उससे पहले बताऊँ, हम बड़े पर्दे पे वापस आ रहे हैं 1 दिसंबर को, तो पहले ये फिल्म देखिए और इसको इन्जॉय करें, और जैसे ही ये फिल्म की सारी फॉर्मेलिटीज़ जो है, क्योंकि रिलीज़ के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, तो वो उसके बाद हम लोग शो के ऊपर फोकस करेंगे। तो हॉलीवुड से भी काफ़ी ऑफर्स आ रहे हैं, ये तो बातें ही बनी है, काफ़ी आए, पर हाँ एक आध कॉन्वर्सेशन हुई हमारी किसी के साथ, पर वो अभी बहुत इनिशियल लेवल पे है। तो वो हमारा जो राजीव है ना डायरेक्टर, उसका उसके पेट में बात पचती नहीं है, जैसे उसने बोल दिया, पर हाँ वो अगर कुछ फाइनलाइज होता तो मैं ज़रूर बताऊँगा। आर यू ओपन टू आई मीन गोइंग इन हॉलीवुड, आपका है? मजा आएगा अंग्रेजों के साथ काम करके, क्यों नहीं जाएंगे। अपने फैंस के लिए एक मैसेज कि व्हाई दे शुड कम एंड वॉच फिरंगी? वो इसलिए क्योंकि जितना भी हम लोगों ने टीवी पे काम किया, हम लोगों ने पूरी फैमिली को ध्यान में रख के हमेशा शोज बनाए, और ये फिल्म भी हमने इस तरीके से बनाई है कि इसको पर्टिकुलर, ये नहीं कि यंगस्टर्स के लिए है या बच्चों के लिए या हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो इस फिल्म में पूरी फैमिली के लिए हमने ध्यान में रख के बनाई है, और जब बच्चे जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे हिंदुस्तान का कल्चर कैसा है, हम लोग कैसे रहते थे आज़ादी से पहले, कैसे सब धर्मों के लोग रहते थे, तो यंगस्टर्स जो हैं उनको भी अच्छा लगेगा, और उनके जो माँ बाप हैं वो तो और रिलेट करेंगे, क्योंकि पार्टीशन के बाद 50-60 या ना 60s में भी ऐसा ही माहौल था हमारे हिंदुस्तान का, तो मुझे लगता है कि सबको पसंद आएगी। सो पूरी फैमिली देखने जाए और अच्छा लगेगा उनको।